Hello my dear students, how are you all? I hope you all are doing well and you have started preparing for the exams. As you all know beta that we have started this chapter structure of atom, where in your previous lecture we have discussed about the electronic configuration of elements. Also we have discussed about valency. Okay, so the valency of an electron or an atom will be equal to the number of valence electrons. Okay, so that we have discussed in your previous lecture. Now today what we are going to study is about atomic number. What is atomic number? See, basically it is denoted by the capital alphabet Z. Okay, it tells us, हमें क्या बताता है about the number of protons. ठीक है, किसकी इंफॉर्मेशन देता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू हाउ मच? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट इन व्हाट? इन अ न्यूट्रल एटम. ठीक है, हम मैं क्या कह रही हूँ, एटॉमिक नंबर हमें किस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि कितने नंबर ऑफ प्रेजेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर इन एन न्यूट्रल एटम. लेकिन अगर हम आयंस की बात करें तो आयंस में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी गेन और लूज, ये फिक्स नहीं होता है ना. तो उसमें कैसा है, वो ऊपर नीचे उसकी प्रोपोर्शन होता है. इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वोंट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस. ओके, आयंस में वो इक्वल नहीं होता. इसीलिए हम एटॉमिक नंबर किसको लेते हैं? अगर हमें एटॉमिक नंबर के बारे में समझना है तो सिर्फ सिंपली हम जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना ही हम क्या करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर उसको कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं कार्बन का एग्जाम्पल लेती हूँ. सपोज कार्बन C6 है यहाँ पर. ओके, ठीक है. अब यहाँ मैं क्यों यहाँ ये इससे आपको बराबर दिखेगा. तो यहाँ पर 12 इज व्हाट? इट इज द एटॉमिक मास. एंड 6 इज व्हाट? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. हाउ मच? 6. क्यों? क्योंकि 6 क्या है, ये इसका एटॉमिक नंबर है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने यहाँ पर? 6 है. सो दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पर? दोनों भी 6 होंगे. ठीक है, मैं क्या बता रही हूँ आपको कि यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 है ना. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 6 है. अगर ये किसके लिए है? ये न्यूट्रल एटम के लिए है. लेकिन अगर यही मैं किसी आयन का एग्जांपल लूँ, है ना, यहाँ देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8. लेकिन यहाँ पर 2 माइनस का चार्ज है. तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पर? 8. लेकिन ये जो 2 माइनस है, ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स मोर, है ना, दो और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए. तो यहाँ पर कितना है? ऑलरेडी प्रोटॉन्स 8 थे, तो 8 + 2 तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है दैट विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसके केस में? आयंस के केस में, जहाँ पर आयोनिक ग्रुप्स आ जाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, आयोनिक एलिमेंट्स आ जाते हैं, एटम्स आ जाते हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन अगर न्यूट्रल एटम है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये बहुत ही सिंपल है. इसे हम एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? मास नंबर. इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ए. ओके, सो मास नंबर टेल्स यू व्हाट? इट आल्सो टेल्स यू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स. क्या बता रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है एक एटम के एलिमेंट में, वो हमें बताता है. क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? मास नंबर की. यहाँ पर मैं सेम एग्जाम्पल दूंगी. ठीक है,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कितने हुए, 6. अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो व्हाट यू विल डू, 12 इज इक्वल्स टू 6 प्लस न्यूट्रॉन. क्यों? क्योंकि हम एटॉमिक मास में क्या बोल रहे हैं कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स बताते हैं कितना मास नंबर है. तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स क्या होगा, 12 - 6, तो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी, 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, दैट इज 6. सिंपल एज दैट. ओके, हमें आपको सिर्फ ये समझना, एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसमें इक्वल होंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक न्यूट्रल एटम में. ठीक है, लेकिन आयंस के केस में वो चेंज हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आइदर बी गेन और लूज. ओके, और हम मास नंबर की अगर हम बात करें तो मास नंबर में क्या बताते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. तो हमें अगर न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज न्यूट्रॉन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन जेड ए एंड एन, वेयर जेड इज व्हाट, जेड क्या है आपका, अभी हमने पढ़ा है दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, क्या है ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या जिसे आप एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, है ना, अभी हमने पढ़ा है. ए रिप्रेजेंट किसको करता है, एटॉमिक मास को, या फिर हम इसको बोलते हैं मास नंबर, सॉरी मास नंबर. एंड एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, तो अब हम यहाँ जब हम बोलते हैं मास नंबर, तो मास नंबर विल बी इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट. अब ये बोल सकते हैं ना, अभी हमने पढ़ा है मास नंबर में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट्स द एडिशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू द मास नंबर. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यू कैन ऑल्सो राइट ओवर हियर दैट ए माइनस जेड. ओके, क्या फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो माइनस कर सकते हैं. मैं आपको दो एग्जांपल दूंगी जो आपको खुद सॉल्व करने हैं. एल्यूमिनियम का आपको सॉल्व करना है, आप हीलियम भी ले सकते हैं, या चलिए हीलियम मत लीजिए, कार्बन ले लीजिए, कार्बन 6-14. ये दो एग्जाम्पल जो है वो आपको सॉल्व करके देखने हैं. ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मास नंबर है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर आपके पास है तो आपको प्रोटॉन्स में मिल जाएंगे, ठीक है, और आपका न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, ये आप खुद सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोप्स की. आइसोटोप्स हम हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. ओके, आइसोटोप्स आर व्हाट, दीज आर द वंस वेयर एटम्स हैविंग व्हाट, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट मास नंबर. तो आप इसको क्या बोल सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर होता है इसका, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, इसका मास नंबर. ओके, क्या बोलते हैं हम, सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन क्या है इसका, मास कैसा है, डिफरेंट है. तो आइसोटोप्स अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन के, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में लिखती हूँ यहाँ पे. ओके, सो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट है प्रोशियम, प्रोशियम या फिर प्रोटियम भी आप बोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोनाउंसिएशन. क्योंकि हम यहाँ कैसी है वैल्यू, 1H1 1. अगर हम सेकेंड देखते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है, तो ये है H2 1. अगर हम देखें ट्रिटियम, ठीक है, सो दिस इज H1. तो यहाँ देखिए ये 1 2 3, ये क्या रिप्रेजेंट करना है, मास नंबर को. ठीक है, तो यहाँ पर मास नंबर क्या है, ये डिफरेंट है, और हाइड्रोजन इज डिफरेंट, है ना. लेकिन यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर,
एटॉमिक नंबर कैसा है, ये सेम है। ठीक है, तो आइसोटोप्स में क्या है कि हमारा एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ऑक्सीजन का भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए O8 16 O8 17 O8 18 सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन मास नंबर कैसा है, डिफरेंट है। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम वेयर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर आइसोटोप्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स, सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है। ठीक है, क्यों डिफरेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप की क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ऑल द आइसोटोप्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दैट इज व्हाई इट कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको ये एटॉमिक नंबर में पढ़ाया है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइसोटोप्स के, हम आइसोबार्स भी पढ़ लेते हैं, then we will take some more topics also, okay? तो हम बात कर लेते हैं हम आइसोबार्स की। आइसोटोप्स का बिल्कुल उल्टा होते हैं आइसोबार्स। सी देखिए, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। आइसोटोप्स में क्या था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोबार्स में क्या है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है लेकिन सेम मास नंबर है। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिखा है, देखिए C6H14 कार्बन का और नाइट्रोजन का, यहाँ देखिए ये एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास कैसा है, सेम है। अगर हम कैल्शियम और एल्गोन की बात करें तो कैल्शियम और एल्गोन में कैसा है, मास जो है, मास नंबर दैट इज सेम है ना, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर कैसा है, डिफरेंट है। सो आइसोबार्स क्या है, जिसमें एटॉमिक नंबर कैसा है, वो डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। इसी में एक और है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है, नंबर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आइसोटोप्स में क्या है, क्या बता रहा है आपको, सिर्फ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैंने आपको क्या बताई थी अभी एटॉमिक सॉरी मास नंबर में कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहे, मतलब क्या करते हैं हम, देखिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेती हूँ, देखिए C6H13 ये N14 और इसको 7 है ना। सो अब आप इसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। देखिए यहाँ अगर 13 क्या बता रहा है, ये आपको मास नंबर, और ये क्या है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमारे पास फॉर्मूला है N = A - Z। A - Z यहाँ पर देखिए कितना है, ये एटॉमिक नंबर 6 है ना, यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है, ये 13 - 6 ओके, तो कितना आएगा आपका अराउंड 7। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 14 - 7 दैट इज 7 ओके। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 7। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यानी आइसोटोप्स क्या बताते हैं, सिर्फ कितना है आपका है ना, कितने हैं, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं ओके। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने हैं बस उसी को हम बताते हैं क्या, आइसोटोप्स। अब यहाँ इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, N = A - Z ओके। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, एटॉमिक नंबर कितना है और मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर का इक्वल ही उसका प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सो इजीली आप आइसोटोप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए आयंस और एटम्स या फिर मॉलिक्यूल जिसमें क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सपोज यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल दिए हैं क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम।
एंड कैल्शियम के। अब यहाँ पर 17 है इसका क्या एटॉमिक नंबर, ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे जब कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 17 प्लस 1 विल बी 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही होगा उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। एर्गॉन, एर्गॉन का कितना है 18, ठीक है, अब 18 यहाँ पर ओके, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर ओके। अगर हम पोटेशियम की बात करें है ना, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका एटॉमिक नंबर है 19, तो 19 माइनस 1 होगा दैट विल बी 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का कितना है, दिस इज 20 है ना, अब 20 यहाँ पर 2 पॉजिटिव है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस होंगे है ना, तो यहाँ पर आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कितना उसका एटॉमिक नंबर है और इलेक्ट्रॉन्स कितने, उसका चार्ज कैसा दिख रहा है, कितना पॉजिटिव चार्ज कितना प्लस है कितना माइनस है, और उस हिसाब से अगर नेगेटिव है तो उसको प्लस करना है और पॉजिटिव चार्जेस दिए हुए उसको उतने एटॉमिक नंबर में से माइनस करके आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन योर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ओके, डू नोट इट डाउन ऑल द एग्जांपल्स चिल्ड्रन एंड स्टडी वेल। गुड डे स्टूडेंट्स।